बच्चों, हमने बैलेंस शीट तक कर लिया था, कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर या तीन नंबर में क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में। देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग रिफर्स टू एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच रिसिप्ट एंड इनकम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू दैट पर्टिकुलर फंड एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट फंड आर डेबिटेड टू इट। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिला है या स्पेसिफिक फंड मिला है जो जनरल पर्पस के लिए नहीं है, स्पेसिफिक है, तो आपको क्या करना है, उस फंड से रिलेटेड सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस उसी फंड में प्लस या माइनस करने हैं। यदि आप उसका लेजर बना रहे हो, इस पूरे चैप्टर में जनरल एंट्री का कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट या फिर बैलेंस शीट, बस। उसके अलावा छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो 3 नंबर में आ जाते हैं, उनमें से एक ये है, तो 3 नंबर में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो एग्जाम्पल, सच फंड्स आर क्रेडिट, जैसे आप ऐसे नहीं समझेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड, स्पेशल फंड है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक पर्पस में ही यूज होगा। जैसे इफ क्लब हैज रिसीव्ड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड देन द अमाउंट सो रिसीव्ड विल बी यूज्ड फॉर टूर्नामेंट ओनली एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट के लिए ही यूज होगा। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट क्या करेंगे, द क्रेडिट बैलेंस इन फंड अकाउंट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप इसका जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसको आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले जाएंगे। द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू द फंड। जो भी इसमें इनकम या एक्सपेंसेस होगा, इसी में प्लस या माइनस होगी। इन द केस ऑफ बैलेंस इन फंड अकाउंट इज डेबिट, इट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कभी ऐसा हुआ कि जो आपका डोनेशन है या फंड है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और फंड कम है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। यानी यदि इस फंड का सरप्लस है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, और यदि इस फंड में डेफिसिट है तो फिर वो बैलेंस शीट के सॉरी में नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड, यानी डेबिट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज अ क्लब रिसीव्स डोनेशन फॉर 1 लाख फॉर प्राइज फंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ड्यूरिंग द ईयर द क्लब अवार्डेड प्राइजेस वर्थ 25,000, द क्लब फर्दर रिसीव्ड डोनेशन 10,000 अन अकाउंट ऑफ प्राइड्स फंड। देखिए, 1 लाख का डोनेशन है और 1,10,000 उसके और मिले, यानी टोटल डोनेशन कितना हो गया, 1,10,000, उसमें से 25,000 उन्होंने प्राइज के रूप में बांट दिए, तो माइनस कर दीजिए। अब कितना बचा, 85,000। ये कहाँ आएगा, आपके बैलेंस शीट में शो होगा लाइबिलिटी साइड। इन्होंने भी यही दे दिया है, देखिए 85,000 बैलेंस है और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 12,000 के, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अच्छा, ये जो 12,000 का टूर्नामेंट एक्सपेंस है, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे। फिर है टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000, टूर्नामेंट रिसिप्ट 15,000, ये भी कहां चली जाएगी, कहां गया, ये सिंपल है, कोई फंड नहीं दिया है, इसलिए टूर्नामेंट जो एक्सपेंसेस हैं ये चले जाएंगे कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, और टूर्नामेंट रिसिप्ट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट में चली जाएगी। यानी ये क्रेडिट हो जाएंगे, 15,000 12,000 डेबिट हो जाएंगे। यहां पर सी पॉइंट में आपको टूर्नामेंट फंड दिया है, ये बैलेंस शीट में जाएगा बच्चों, फंड लिखा होना चाहिए उसके साथ। तो टूर्नामेंट फंड जो है 50,000 का, उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 9,000 माइनस हो जाएंगे, बचेगा 41,000। तो 41,000 बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड चला जाएगा टूर्नामेंट फंड के नाम से।
उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या होगा, डी फंड है 50,000 का और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर है 9,000, तो टूर्नामेंट फंड में से ये माइनस हो जाएगा जो और टूर्नामेंट रिसिप्ट है 14,000 की, तो 50,000 प्लस 14,000 टोटल 64, उसमें 9,000 माइनस हो जाएंगे, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चला जाएगा। फिर ई पॉइंट में टूर्नामेंट फंड है 28,000 के, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 37,000 के और रिसिप्ट हुई है आपको 4,000। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या कि आपका फंड है 28 का, 4 डोनेशन मिला, टोटल 32 हुआ, लेकिन आपके एक्सपेंसेस 37 के, यानी 3,000 कम है, तो ये 3,000 का जो लॉस है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। देखिए ये 12,000 आ गया, फिर ये सी वाले पॉइंट में स्पेसिफिक फंड दिया था, ये माइनस होकर बैलेंस शीट में आया 41। डी वाले में भी यही है, ई वाले में क्या है 5,000 का एक्सपेंस है, 5,000 का ये कहाँ चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाकी हर आइटम बैलेंस शीट में गई है, लेकिन ये वाले में चूंकि लॉस था तो ये कहाँ चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ध्यान रखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ए क्लब सो अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द फाइनेंशियल ईयर। मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड देखिए अभी इसमें क्या है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर है 30,000, मैच फंड है आपका ओपनिंग 17,000, डोनेशन फॉर मैच फंड मिला 9 और प्रोसीड फ्रॉम सेल टिकट ऑफ मैच की सेल टिकट कितनी है। अब जब आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट यदि आप बनाएंगे पेड ड्यूरिंग 9-10 और यहाँ पर 9 लिखा है यानी ओपनिंग बैलेंस शीट है तो 17,000 आ गया, एक्सपेंडिचर में आपके कितने चले जाएंगे, चूंकि आपको लॉस है इसलिए 30,000 के मैच एक्सपेंसेस हैं, मैच फंड माइनस, डोनेशन माइनस, टिकट माइनस, 1,000 का लॉस है, इसलिए आपका कहाँ चला गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ विल यू ट्रीट The preparing final account of club alternatively exemption, देखिए expenditure and construction of pavilion fund है और capital fund है, तो pavilion 5,00,000 का है और 2,00,000 के आपके pavilion expenses हैं, 5 में से 2 minus हो जाएंगे तो बचेगा 3, यानी total 10,000 balance sheet में आपके आ जाएगा। solution यहाँ देख लीजिए, अच्छा ये A point का क्या है, opening capital इतनी plus pavilion fund 9,00,000, पवेलियन फंड आपका ओपनिंग 5,00,000, माइनस हो जाएगा आपका 2,00,000 तो बचा 3,00,000, टोटल यहाँ आ जाएगा और पवेलियन इन प्रोग्रेस 2,00,000 बस, ये चूंकि एसेट है 2,00,000 का, ये जो पवेलियन बन रहा है 2,00,000 रुपए का ये एसेट है, इसलिए एसेट साइड भी आएगा। बी पॉइंट देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 2,00,000, पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 5,00,000, डोनेशन रिसीव्ड हुआ 1,00,000 का, कैपिटल फंड है 7 की। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बी पॉइंट का आपका बैलेंस शीट आ गया, ओपनिंग आ गई 7 की, पवेलियन फंड 2,00,000 और इधर प्रोग्रेस में आ गया, फिर ओपनिंग बैलेंस कितना है पवेलियन फंड का 5,00,000, डोनेशन रिसीव हुआ 1,00,000 प्लस हो गए और ये जो डोनेशन ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 2,00,000 रुपए, चूंकि ये एक्सपेंस नहीं है एसेट बन रही है इसलिए फंड से माइनस होकर के कैपिटल में प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 2,00,000 एसेट साइड भी आते हैं। स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट इनको भी सेपरेटली बैलेंस शीट में ही, मान लीजिए आपका जो स्पेसिफिक फंड है जैसे पवेलियन फंड है, टूर्नामेंट फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, प्राइज फंड है, इन फंड को यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को केस वन है, क्या है ये कि प्राइस फंड आपके पास 40,000 है और आपने ये इन्वेस्ट कर दिया 10% के इंटरेस्ट रेट में, डोनेशन मिला, प्राइस अवार्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ इतना। अब आप क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करेंगे इसको। केस वन,
आप बैलेंस शीट में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट था उसको एसेट साइड लिख देंगे, प्राइस फंड जो आपको मिला 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है उसमें डोनेशन जो मिला वो प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट जो आपको मिला वो प्लस कर देंगे और प्राइस अवॉर्डेड माइनस कर देंगे, तो आपका 43 का इधर आ जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस शीट टोटल टैली इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं है, फुल फ्लेज्ड नहीं। केस टू में आपके पास प्राइस फंड है 40 का, यहां पर इंटरेस्ट एक्रूड जो 2200 का हुआ है वो यहां पर आ जाएगा एसेट साइड क्योंकि क्रूड है, रिसीव नहीं हुआ है। प्राइस फंड 4000, डोनेशन आपका 6000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1800 का और जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये भी इसमें प्लस हो जाएगा, प्राइस अवॉर्डेड 7000 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। फिर ये है, इसको भी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही करना है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, बाकी का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।